जय श्री कृष्णा आइए सुनते हैं मार्गशीष मास में सुनी जाने वाली श्री कृष्ण भक्त कर्मा बाई की कहानी राजस्थान के नागौर जिले के ग्राम कालवा में एक जाट किसान जीवन राम डूढ़ी के घर 1615 सो में एक कन्या का जन्म हुआ कन्या का जन्म होने पर पिताजी जीवन राम को अत्यंत खुशी हुई उन्होंने उस कन्या का नाम कर्मा रखा कर्मा को सभी कर्मा बाई भी बुलाते थे जीवन राम स्वयं एक कृष्ण भक्त थे अपने घर में उन्होंने कृष्ण भगवान का मदन मोहन के नाम से मंदिर बना रखा था जहाँ वे रोज भगवान कृष्ण की पूजा करते भगवान को भोग लगाते तथा भगवान को भोग लगाने के बाद ही वे भोजन ग्रहण करते यह उनके घर का नित्य का नियम था इसी प्रकार समय बीतता गया कर्माबाई रोज अपने पिता को कृष्ण भगवान की पूजा करते देखती उनको भोग लगाते देखती और भगवान को भोग लगाने के बाद ही वे भोजन ग्रहण करते यही सब देखते सीखते कर्माबाई का बचपन बीत रहा था कुछ वर्षों के बाद कर्माबाई के पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए तीर्थ यात्रा पर जाने से पहले जीवन रामडूढ़ी ने कर्माबाई को भगवान की पूजा विधि समझाई और कहा कि भगवान को भोग लगाकर ही भोजन ग्रहण करना और घर का ध्यान रखना इस प्रकार भगवान की पूजा और घर की देख रेख का काम कर्माबाई बाई को सौंप कर उनके पिता कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा चले गए अब अगले दिन कर्माबाई ने सुबह जल्दी उठकर कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए बाजरे का खिचड़ा बनाया कर्माबाई ने खिचड़े को थाली में डाला उसमें घी और गुड़ मिलाया और कृष्ण भगवान को भोग लगाने के लिए खिचड़े की थाली भगवान के सामने रख दी और उनसे कहा हे भगवान आपको जब भी भूख लगे तब आप खिचड़ा खा लेना मैं तब तक घर का दूसरा काम कर लेती हूँ यह कहकर वह अपने काम में लग गई कुछ देर बाद उसने आकर देखा कि थाली तो वैसी की वैसी रखी है भगवान ने तो भोग लगाया ही नहीं उसने सोचा कोई बात नहीं अभी भगवान को भूख नहीं लगी होगी, कुछ देर बाद खा लेंगे, ऐसा सोचकर वह फिर अपने काम में लग गए और बीच में बार बार देखती रही कि भगवान ने भोग लगाया कि नहीं लगाया, पर भगवान ने भोग नहीं लगाया। इस प्रकार दोपहर का समय हो गया, अब कर्माबाई को चिंता होने लगी कि भगवान ने भोग क्यों नहीं लगाया क्या खिचड़ा अच्छा नहीं बना या उसमें घी और गुड़ की कमी रह गई ऐसा सोचकर उसने खिचड़े में थोड़ा और घी और गुड़ मिलाया और थाली लेकर भगवान के सामने बैठ गई और भगवान को भोग लगाने के लिए विनती करने लगी लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया तब कर्मा बाई ने भगवान से कहा कि भगवान आप भोग लगा लीजिए आपकी पूजा की और आपके भोग के जिम्मेदारी पिताजी मुझे देकर गए हैं अगर आप पिताजी का इंतजार कर रहे हैं तो आपको भूखा ही रहना पड़ेगा क्योंकि पिताजी तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं कुछ दिनों के बाद ही आएंगे तब तक आपको मेरे ही हाथ से बना भोजन करना पड़ेगा भगवान मुझे व्यंजन बनाने नहीं आते हैं और ना ही मुझे विधि विधान से पूजा पाठ करने आता है मुझे तो बस ए बाजरे का खिचड़ा और रूखी सूखी सब्जी रोटी बनानी आती है और आपको कुछ दिन इसी से गुजारा करना पड़ेगा मैंने आपके खिचड़े में थोड़ा और ज़्यादा घी और गुड़ भी डाल दिया है अब तो भोग लगा लीजिए इस प्रकार कर्मा बार बार भगवान से भोग लगाने को विनती करने लगी लेकिन भगवान ने फिर भी भोग नहीं लगाया तब कर्मा बाई ने भगवान से कहा भगवान जब तक आप भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी नहीं खाऊंगी आपके साथ साथ मैं भी भूखी रहूंगी ऐसा कहकर वह भगवान से नाराज होकर बैठ गई दोपहर बीत गई शाम होने को आई लेकिन भगवान की तरह कर्मा बाई ने भी कुछ नहीं खाया आखिरकार कर्मा की जिद देखकर भगवान की मूर्ति से आवाज आई अरे कर्मा तुमने पर्दा तो किया ही नहीं मैं ऐसे कैसे भोग लगाऊंगा यह सुनकर कर्मा बाई ने अपनी ओढ़नी का पर्दा किया और उसी की छाया में भगवान श्री कृष्ण ने बाजरे के खिचड़े का भोग लगाया और पूरी थाली खाली हो गई कर्मा बाई ने देखा और कहा हे भगवान इतनी सी बात थी तो पहले बता देते सारे दिन खुद भी भूखे रहे और मुझे भी भूखा रखा इसके बाद भगवान ने भोग लगाकर कर्मा का भोजन किया इस प्रकार यह कर्मा बाई का नित्य का नियम बन गया कर्मा रोज सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले भगवान के लिए भोग बनाती और भोग की थाली भगवान के सामने रखकर पर्दा लगाकर बैठ जाती और कुछ देर में देखती तो थाली पूरी खाली हो जाती यह देखकर कर्मा बहुत खुश हो जाती और अपने दूसरे कामों में लग जाती कर्मा बाई का यह भाव था कि भगवान को सुबह जल्दी ही भूख लग जाती है इसलिए वह सुबह सवेरे जल्दी उठकर किसी विधि विधान में पड़े बिना सबसे पहले भगवान के लिए भोजन बनाती और बड़े प्रेम से भगवान को भोजन खिलाती और भगवान को भोजन खिलाने के बाद निश्चिंत होकर स्नान आदि करती और घर के दूसरे काम करती और यह क्रम लगातार चलता रहा कुछ दिनों के बाद कर्माबाई के पिता तीर्थ यात्रा करके घर लौट आए पिता के आने पर कर्मा ने उन्हें बताया कि भगवान कृष्ण को भोग लगाया तो कैसे भगवान ने सारे दिन नखरे किए और शाम को जाकर खिचड़ा खाया और अब तो भगवान कृष्ण सुबह जल्दी ही भोग लगा लेते हैं और पूरी थाली साफ कर देते हैं यह सुनकर कर्माबाई के पिताजी आश्चर्यचकित रह गए और कृष्ण भक्त पिता को कर्मा की सरल प्रेम भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की कृपा को समझते देर नहीं लगी कर्मा के पिताजी ने सोचा जिस भगवान को प्राप्त करने वो तीर्थ यात्रा करने गए थे वो भगवान उनके घर में ही विराजमान हैं और उनकी पुत्री के हाथों से रोज भोग लगाते हैं मन में ऐसा सोचकर वे कर्माबाई को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करके अपने आप को धन्य समझने लगे और उन्होंने कर्माबाई से कहा कि पुत्री आज से तुम ही भगवान की सेवा करना और रोज भगवान को अपने हाथों से भोग लगाना ऐसा सुनकर कर्मा बाई बहुत प्रसन्न हुई और रोज इसी प्रकार सुबह जल्दी उठकर अत्यंत प्रेम भाव से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाने लगी इस प्रकार यह उनका रोज का नियम बन गया कुछ वर्ष बाद कर्मा भाई के पिताजी देवलोक गमन कर गए अब कर्मा अकेली रह गई